दोस्तों आप देख रहे हैं वेस्ट कर्णी न्यूज चैनल। आज है 17 सितंबर। सबसे बड़ी खबर, मरकज निजामुद्दीन की दीवार पर मोदी की तस्वीर टांगकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने मोदी का जन्मदिन मनाया है और मरकज के खुलने के लिए भी दुआ की है। आइए पूरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاه ورزقني ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا اله العالمين هم گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما اله العالمين هم لفظوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اله العالمين ہمارے ملک کی और हमारे मुल्क में रहने वाले सभी लोगों की हिफाजत फरमा। फिलहाल आलमीन हमारे मुल्क के 125 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग जितने भी हैं इस मुल्क में, सबको तरक्की अदा फरमा, सबकी बाल बाल जो है हिफाजत फरमा। फिलहाल आलमीन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमा और देश के लिए खूब काम करने की तौफीक अदा फरमा। फिलहाल आलमीन मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कोरोना महामारी से खास तौर पर, इससे जो है हमारे देश के सभी लोगों को बचा। फिलहाल आलमी जो लोग फौत हो गए हैं इससे उनकी मफरत फरमा। फिलहाल आलमी जो भी इसके अंदर मुब्तला है इस बीमारी के अंदर, उन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमा। फिलहाल आलमी हमारे मुल्क के साथ जो भी खतरात हैं, जो भी खदशात हैं, आपसी ताकतों से, बाहरी ताकतों से, अंदरूनी ताकतों से, सभी से हमारे देश की हिफाजत फरमा। फिलहाल आलमीन जो खासतौर पर चाइना का जो मामला है, फिलहाल आलमीन हमारे देश के तमाम जवानों को सेहत तंदुरुस्ती हिम्मत हौसला अदा फरमा कि हमें दुश्मन के वो दांत खट्टे करें। फिलहाल आलमीन हमारे देश के तमाम लोगों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहकर काम करने की तौफीक अदा फरमा। देश में बहुत नफरतें हैं, इलाहुल आलमीन दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम अकाबरीन की मगफिरत फरमा, तमाम अकाबरीन की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम उलमाए उम्मत, तमाम मदारिस की, मसाजिद की, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मरकज से मुतल्लिक जो मामलात हैं उन्हें जल्द से जल्द हल फरमा। इलाहुल आलमीन गलत फहमियाँ फैल गई उन्हें भी दूर फरमा। इलाहुल आलमीन इस बस्ती के अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो तशरीफ़ फरमा है, उनको भी हमारी तमाम जो है नेकियाँ और तमाम दुआओं का अजर अदा फरमा, तमाम दुआओं को सबके दुआ में कबूल फरमा। फिलहाल आलमीन जो दुआएं रह गई उन्हें भी कबूल फरमा, जो मांगी उन्हें भी कबूल फरमा। फिलहाल आलमीन खास तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की उम्र में खैर बरकत अदा फरमा और देश के सभी लोगों को मिलजुल कर उनके साथ काम करने की तौफीक अदा फरमा। फिलहाल आलमीन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे सरों के ताज हैं, फिलहाल आलमीन उनको जो है लंबी उम्र अदा फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे देश के होम मिनिस्टर जो उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमा और तमाम लोगों को, तमाम 135 करोड़ लोगों में जो भी लोग परेशान हाल हैं, जिस तरीके से बीमार हैं, कोरोना वायरस में आ गए हैं, उन सबको सेहत अदा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खलीफत मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन। साइड से आ जाइए आप। कागज़ में जो बच्चों को बेटे